ये इस टाइप से आता है, ये गाढ़ा होने के बाद में फिर आप डालते हो बाहर, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा 15 मिनट लगेंगे। अच्छा 15 मिनट के बाद में ये निकल जाएगा गाढ़ा होने, ऐसा गाढ़ा होने के बाद निकलता है या नहीं? नहीं, थोड़ा लिक्विड रहेगा। अच्छा चलो, फिर उसको रेडिंग करते रहेंगे, गर्म रहता है ना। हाँ, हाँ, नहीं हो जी, जैसे 10-15 मिनट बाद ऐसा सेटिंग में आ जाएगा, फिर आधा घंटा बाद कटिंग लाइक हो जाएगा। जी ठीक, थैंक यू। ओके, तो ये गन्ने से जूस निकालेंगे भाई साहब पहले, और इस कैटल पाइप के द्वारा। हाँ, उस कैटल में चला गया इसका जूस। अच्छा अच्छा, इस कैटल से ऐसे आ जाएगा। हाँ, ये ड्राई गीला है तो ड्राई होने के लिए ये इसका ड्रायर है, ये ड्रायर है, ये ड्रायर है, ड्रायर में सूख के स्टीम बॉयलर में चला गया ये, तो उससे स्टीम जनरेट हो गया। अच्छा, जिससे किसान को फ्यूल नहीं लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसी से वो ईंधन का बचत हो गया उसका। अच्छा, और ये भी 20% सेविंग होगा, जो फ्यूल सेविंग हो जाता है। हाँ, उसकी कीमत में। हाँ, और ये यहाँ से जो जूस निकलेगा, तो ये जूस, ये जो मशीन है इधर में, हाँ, ये ऊपर की मशीन में जाता है। जी, मौसम खराब है तो सूखने की जरूरत नहीं है, पहले जी जी वर्ग मीटर चाहिए था जी जी सुखाने के लिए, सिर्फ बड़ी मुश्किल से 10 वर्ग मीटर की जगह बहुत है इसके सुखाने के लिए। हाँ, आराम से। जी जी जी, और एक किसान के लिए 40 लोगों का काम था, तो 5 लोगों में क्वालिटी के साथ गुड़ निकाल सकते हैं। बराबर है जी, बहुत बढ़िया। तो जरूर इनसे, आपका शुभ नाम सर जी? सुभाष ओला है। सुभाष ओला, मैं इसी वर्ग में काम करता हूँ, आम का पल्प है, ग्रेप्स का पल्प है, सेब का पल्प है, सब इस मशीन से हम निकाल सकते हैं। कहाँ पर है आपका यूनिट? हमारा राजस्थान जयपुर में है। राजस्थान जयपुर में जी, से प्राइवेट लिमिटेड। जी जी, थैंक यू सर। तो वो जो देखे थे हमने, वहाँ पर जो गन्ने का जूस निकलता है वो वहाँ से पाइप से आता है, और ये पाइप से आप देखेंगे, और फिर यहाँ से वो पूरी प्रोसेस तो मैंने बता दिया। वो गुड़ बनाने की मशीन है, इसकी कितना कैपेसिटी सर? 15 लाख के आसपास है। 15 लाख के आसपास, और कैपेसिटी है 1.5 टन पर डे, 1.5 टन गुड़ निकलने का पर डे जूस आएगा, गन्ने का जूस यहाँ पर आएगा। हाँ, क्लीनिंग मशीन है ये। अच्छा, जूस ये गन्ना क्लीन होगा कि क्या? नहीं, गन्ने के जूस की मशीन से करना आएगा। अच्छा जा, हाँ, अच्छा, जूस यहाँ से आएगा। ये यहाँ क्लीनिंग मशीन है, ये क्लीनिंग होगा यहाँ पे। क्लीनिंग होने के बाद में हाई बॉल कैटल में चलेगा यहाँ पर। ये यहाँ से आने के बाद में ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर से हाई बॉइलिंग होगा यहाँ पर। हाई बॉइलिंग होगा, 180 डिग्री टेम्परेचर। जी जी, और जैसे 80% इसका पानी उड़ जाएगा या पानी कम हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, फिर अपना लगातार इस कैटल से आएगा। इसमें हर 10 मिनट में बैस निकलेंगे। अच्छा, और इसको साइज के हिसाब से गुड़ को आगे डाल दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ से फिर क्यूब वगैरह बनाना रहा तो उसके लिए अलग डाई है क्या? अलग डाई होती है। अच्छा, 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम या आधा किलो। अच्छा अच्छा, ये सर का कार्ड है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पर इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो।